पैसेंजर परमवीर तो हैं ही गुरु भाई, मैंने उन्हें आइडियली गुरु माना हुआ है। उनकी वीडियो देख देख के ही मेरे को भी चस्का चढ़ा था। विदेशों में शाम बड़ी खूबसूरत होती है यार, मतलब बादल बादल ना इतने बेहतरीन आते हैं, बस पूछो ही मत। कहीं ना कहीं हमारा समोसा भी इनसे प्रेरित है या ये हमारे समोसे से प्रेरित हैं, ऐसा लग रहा है। वो सोच रहा था कि मैं पाकिस्तान से हूँ, पता नहीं क्यों पाकिस्तान से क्यों सोचते हैं लोग, इंडियंस को पहला आइडिया पाकिस्तान ही क्यों लगाते हैं। अभी 9 बज रहे हैं और इतना उजाला हो रहा है, देखो। ये इनका एंट्रेंस है, यहाँ पर ये शूज़ वगैरह उतारते हैं। चलिए चलते हैं, अब पैरा रखे हैं शूज़ सारे में। और कुछ बाहर का इस तरह का नज़ारा है जहाँ मैं रहता हूँ। ये मेरा हॉस्टल है इधर की तरफ ऊपर बिल्डिंग में, और कुछ पूरी ये सोसाइटी है यहाँ पर बना रखा है इन्होंने, ऊपर हॉस्टल बनाया हुआ है, यहीं पे मैं ठहरा हुआ हूँ। हाँ जी, क्या हालचाल? तो स्वागत है आपका एक नए दिन में, एक नई वीडियो में। जिन लोगों ने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है उनके लिए मैं बता देता हूँ कि मैं इस वक्त हूँ कजाकिस्तान में, कजाकिस्तान का एक बहुत ही खूबसूरत शहर अस्ताना। इससे पहले 5-6 दिन मैं था अल्माटी में। अल्माटी कजाकिस्तान का बहुत ही खूबसूरत शहर है, और अस्ताना जो है सेकंड लार्जेस्ट सिटी है कजाकिस्तान का, और अल्माटी से काफ़ी बड़ा है, अल्माटी से काफ़ी डेवलप है, और यहाँ की बिल्डिंग्स के डिज़ाइन अल्माटी से काफ़ी डिफरेंट हैं। पूरी सोसाइटी है बड़ी, और यहाँ पर आउटसाइडर ऐसे नहीं आ सकता कोई भी। यहाँ चार तरफ गेट लगे हैं, कम से कम 6 गेट हैं यहाँ पर, और हर गेट की ना एक चाबी दी हुई है इन्होंने, जो इस चाबी को आके हम गेट पर टच करते हैं, तो इसे टच करेंगे तभी गेट खुलेगा, अदरवाइज नहीं खुलेगा। और जाने के लिए डायरेक्ट खुल सकता है, उसके लिए हमें कोई टच वच नहीं करना है कुछ भी। तो मैं हमेशा इस वाले गेट से ही निकलता हूँ यहाँ पर, ये मुझे गेट पास में पड़ता है। यहाँ पर बटन दबाते हैं हम और ये खुल जाता है। ये कोई लेडी बिना चाबी के लॉक खोले अंदर आ गई है मेरी वजह से, क्योंकि मैंने गेट खोल दिया था तो अंदर घुस गई। और जैसे कि आप थंबनेल से समझ ही गए होंगे कि मैं आज कहाँ जा रहा हूँ, ये पूरे कजाकिस्तान की सबसे बड़ी मॉस्क है, वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। तो काफ़ी बड़ा इसका एरिया है, बाकी जानकारी मैं आपको वहाँ पहुँचने पर ही उसके बारे में दूंगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। मेरे हॉस्टल से इसका डिस्टेंस तकरीबन पड़ रहा है भाई 9 किलोमीटर, तो 9 किलोमीटर तो मैं पैदल नहीं जाऊँगा। आज वैसे धूप तेज़ है, आज हवा कुछ कम चल रही है, तो आज मैंने सोचा कि आज मैं टैक्सी लूँगा वहाँ तक पहुँचने के लिए, और वापसी में देखूँगा जैसा भी मूड बनेगा वैसा कर लूँगा। तो फिलहाल मैंने टैक्सी बुक कर दी है, मैं जगह खड़ा हूँ यहाँ पर, मेन रोड पे आ गया हूँ मैं। चेकिंग कार नियर बाय। तो ये जो ऐप है ये येंडेक्स गो ऐप है, अगर आप यहाँ कजाकिस्तान में उज्बेकिस्तान में आते हैं तो यहाँ पर आपको ये ऐप की ज़रूरत पड़ेगी। इस ऐप के बिना आप कोई टैक्सी बुक नहीं कर पाओगे, और बहुत ही सस्ती ऐप है ये। तो ये यहाँ से मुझे 10 किलोमीटर दिखा रहा है लगभग, 10 किलोमीटर सॉरी ये बाय वॉकिंग दिखा रहा था, टैक्सी से ये दिखा रहा है 12 किलोमीटर। तो 12 किलोमीटर के ये मेरे से ले रही है 1600 टेंगे, 1600 टेंगे का मतलब हो गया 320 रुपये करीब, 320 रुपये में ये मेरे को 12 किलोमीटर छोड़ देगी। आप हिसाब लगा के बताओ भाई कि ये सस्ती है या महंगी है इंडिया के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं इंडिया में टैक्सी बहुत रेयर करता हूँ, बहुत रेयर। मुझे याद नहीं मैंने लास्ट टाइम टैक्सी कब करी थी इंडिया में, क्योंकि वहाँ ज़रूरत नहीं पड़ती कभी, वहाँ तो सब अपनी व्हीकल से ही चले जाते हैं हम लोग ना। आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ टैक्सी मुझे महंगी पड़ रही है या सस्ती पड़ रही है इंडिया के अकॉर्डिंग। 2 मिनट में दिखा रहा है टैक्सी आ जाएगी। तो ये इधर से आ रही है, 084 समथिंग है, 084 ये आ गई गाड़ी मेरी। चलिए ओके लेट्स गो। तो 2 मिनट से भी पहले आ गई ट्रेन, ज़्यादा टाइम नहीं लगाया इसने। तो ये कार पूल होती है, मतलब कि कार पूल के अकॉर्डिंग अगर मैं लूँगा तो एक पैसेंजर उसके अंदर पहले से ही बैठा है जाता, और एक मैं हो जाऊँगा तो वो कुछ सस्ता पड़ता है। अगर मैं डायरेक्ट यहाँ से पूरी सेपरेट टैक्सी लेके जाऊँगा तो तकरीबन पड़ेगी मेरे को 2500 टेंगे समथिंग, यानी 2500 टेंगे का मतलब लगा लो 50 लगभग 500 रुपये की अगर मैं अकेला लेके जाता इसको। लेकिन मैंने कार पूल कर लिया है तो मुझको ये पड़ रही है 320 रुपये की, तो इस तरह से पैसे बच जाते हैं। अब इंडिया में भी ये सिस्टम है या नहीं ये मुझे मालूम नहीं है, अगर कोई सी भाई लोग को पता है कि इंडिया में भी कार पूल का सिस्टम है हमारे ऊबर और ओला में, तो आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए, तो थोड़ा सा मेरी भी नॉलेज बढ़ेगी। और शीशे पे इन्होंने फिल्म चढ़ाई हुई है ब्लैक,
शायद यहाँ पे अलाउ है। और बहुत ही देखो एक कमाल की बात यह है कि मैं गाड़ी में बैठा हूँ और गाड़ी का एसी नहीं चल रहा, थोड़ा सा शीशा खुला है बस यहाँ से, लेकिन हवा अच्छी आ रही है, मतलब गर्मी नहीं फील हो रही। आगे के दोनों शीशे खोले हुए इसने, तो गाड़ी पूरे हवा से भर रही है, जो कि बाहर धूप है और बिना एसी के भी आराम से गाड़ी में सर्वाइव हो पा रहा है। मतलब आप मौसम का आइडिया ले सकते हो कि यहाँ पे इतनी धूप निकलने के बावजूद भी मुझे गाड़ी के अंदर बैठ के गर्मी नहीं लग रही। मतलब क्लाइमेट अगर अच्छा होता है तो एसी की ज़रूरत नहीं पड़ती वैसे। मतलब हमारे इंडिया में तो पॉल्यूशन बहुत है ना, इसलिए शीशा खोलने में धूल धक्कड़ ज़्यादा अंदर आ जाती है गाड़ी में, इसलिए हम खोल नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर पॉल्यूशन नहीं है, धूल धक्कड़ भी नहीं है भाई, यहाँ तो कहीं मुझे धूल वैसे भी नहीं दिखाई देती। वाह यार क्या गजब की बिल्डिंग है, बेहतरीन। ओह माय गॉड, देख रहे हो मतलब क्या बेहतरीन व्यू है। एशिया पार्क भाई, गाड़ी इतनी सब्र से चलाते हैं लोग, इतनी सब्र से चलाते हैं, मतलब आराम से पहले दूसरे को मौका देते हैं कि तू निकल जा तब हम मैं निकल जाऊंगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। मतलब पूरे एक दूसरे को रेस्पेक्ट और सम्मान दे के चलाते हैं, ये नहीं कि अगर हमने BMW ले रखी है तो हम किसी टैक्सी वाले को दबाएंगे, डराएंगे और उससे आगे निकलने की कोशिश करेंगे, उसे हॉर्न मार के उसे पीछे करेंगे, ऐसा कुछ नहीं भाई। या हूटर बजा देंगे बेफजूल में निकलने के लिए भीड़ में से कहीं से भी, ऐसा कुछ नहीं करते, बिल्कुल तमीज़ से रेस्पेक्ट के साथ में चलाते हैं। और इतनी देर से मैं टैक्सी में बैठा हुआ हूँ, इस बंदे ने एक बार भी हॉर्न नहीं बजाया किसी के लिए भी, और पहले रास्ता दूसरे को देता है और फिर खुद चलता है। उसने नेविगेशन लगाया हुआ है, उसके नेविगेशन में बार बार रशियन में बोल रहा है वो, तो ऑलमोस्ट हम पहुँचने ही वाले हैं। मैंने मैप लगाया हुआ है तो थोड़ा ही रह गया बस यहाँ से। वैसे यहाँ आने के लिए बस मुझे सस्ती पड़ती, बस यहाँ आने के सिर्फ 100 टेंगे लेती, मतलब तो कहीं भी आप उतर जाओ बस से, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया आपको कि आप किसी भी शहर के कोने से बैठ के किसी भी दूसरे कोने पे उतर जाओ, सिर्फ एक ही फिक्स प्राइस है यहाँ पे, 100 टेंगे। लेकिन वो बस बहुत घुमा घुमा के लाती और ज़्यादा टाइम लेती। दूसरा मुझे बस का शेड्यूल नहीं समझ में आ रहा यहाँ पर कुछ भी, मैप वैप के कौन से बस स्टॉप से कितने नंबर की बस जाएगी, ये सब चीज़ें बड़ी टिपिकल हो जाती हैं। लोकल्स के लिए तो आसान होती है, जैसे मुझे तो कभी यार दिल्ली की बस का रूट भी नहीं समझ में आया ठीक से, सही बताऊँ तो मैं उसमें भी कन्फ्यूज़ ही होता रहा हमेशा। लेकिन अगर आप यहाँ एज ए स्टूडेंट पढ़ने वगैरह आते हैं, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि फिर तो आप बस का रूट समझ लो, तो वो आपको सस्ता पड़ेगा अगर आप यहीं पर रहने वाले हो, यहीं रुकने वाले हो। लेकिन अगर आप 2-4 दिन के लिए सिर्फ घूमने आए हो तो बेस्ट है कि आप टैक्सी से सर्वाइव कर लो या फिर थोड़ा बहुत पैदल घूमो। शाम के टाइम तो आप ट्राई करो कि 2-3 किलोमीटर पैदल ही घूम लो, और दिन में आप टैक्सी कर सकते हो पर्टिकुलर किसी पॉइंट के लिए जाने के लिए। मेरा बेसिकली ब्लॉगिंग का काम है, तो मैं तो भाई पैदल घूमते हुए वीडियोज़ बनाता हूँ। लेकिन अगर आप एज ए टूरिस्ट सिर्फ घूमने ही आ रहे हो तो आप जो है टैक्सी ही करो, वही बेटर रहेगा आपके लिए। ये सामने आ गई है मॉस्क, नज़र आ रही है भाई, देखो अभी तो गाड़ी से बैठ के दिखा रहा हूँ, अब इसके गेट पे उतारेगा मेरे को ये, वहाँ उतर के आपको प्रॉपर तरीके से दिखाता हूँ। तो भाई मैं टैक्सी से उतर गया, और टैक्सी से वाले ने मेरे साथ में क्या किया वो बताता हूँ मैं आपको। मेरा जो बिल बैठा 1640 टेंगे का, और मैं उसको जो दे रहा था 2000 का नोट, और 2000 का नोट दे के मैंने उसको 40 टेंगे एक्स्ट्रा दे दिए कि तू भाई मेरे को 400 टेंगे वापस दे दे। तो पट्ठे ने वो नहीं लिए, ऊपर से मुझे पूरे 460 टेंगे चेंज करके दे दिए। मेरी जेब में ऑलरेडी इतने सारे सिक्के पड़े हुए हैं, उसने मेरे को 460 टेंगे और दे दिए कॉइंस में, गधे के बच्चे ने। मैं कह रहा हूँ तू मुझको यही दे दे बस, मान नहीं रहा। मेरी जेब में ऑलरेडी इतना सारा वजन हो गया है, मुझे कहीं पे सुपरमार्केट में जाके सारा चेंज ना ख़त्म करना पड़ेगा, मेरे पास इतने सारे चेंज हो गए हैं यानी कि। और यहाँ का भाई मौसम देखो तुम, बादलों की खूबसूरती, वाह ऐसा लग रहा है किसी ने पेंटिंग कर रखी है पूरी। और ये चारों तरफ से सेम डिज़ाइन है, जैसे ठीक हमारा ताजमहल है उसी तरह का डिज़ाइन है ये। और ये थोड़ा सिटी के बिल्कुल बाहर आ गए हम, यहाँ से एयरपोर्ट ज़्यादा दूर नहीं है जी, 4 या 5 किलोमीटर का रहना है यहाँ से एयरपोर्ट का। हालांकि मेरे को 3 दिन के बाद में इसी एयरपोर्ट से उज्बेकिस्तान के लिए निकलना है, मैं 3 दिन बाद उज्बेकिस्तान जा रहा हूँ। खैर उसके बारे में बातें हम वहाँ पहुँच के करेंगे, फ़िलहाल हम इस मस्जिद के पे आए हैं। तो ये है यहाँ की ग्रैंड अस्ताना मस्जिद, मतलब दुनिया की जितनी भी बड़ी बड़ी मस्जिद है उनमें से एक है ये, और ये हमारे पूरे सेंट्रल एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है।
चलिए तो भाई इसके अंदर और चलते हैं। यहाँ पर शूज़ निकालने का सिस्टम है, तो पूरा इन्होंने शूज़ घर बनाया हुआ है यहाँ पर। यहाँ हम शूज़ निकाल देते हैं। यहाँ कहीं भी रख दो, कोई टोकन सिस्टम नहीं है। शायद इसी साइड चलना है, और लेडीज़ वगैरह के लिए बुरका उरका ज़रूरी है पहनना यहाँ पर। दिस वे आई हैव टू गो दिस वे। ओके थैंक यू। पूछ लेना चाहिए ना कि किधर से एंटर होना है। अंदर से बड़ा खूबसूरत बना रखा है भाई ये। बहुत सफाई है। पत्थर कितने बुरी तरह चमचमा रहे हैं, और ये पूरी नक्काशी करी हुई है। इनकी जो कटिंग वगैरह है यार, गजब अल्टीमेट। कुछ यहाँ पर सोवनियर शॉप भी बनाई हुई है इन्होंने। ये तो खैर हर जगह होता ही है यार, विजिटर आते हैं उनको लूटने का सिस्टम। अभी शॉप बंद है हमारी शायद। तो इस तरह की यहाँ शॉप हो गई, उसके बाद में ये पूरा कॉरिडोर इधर की तरफ घूम गया है। काफ़ी शांति है वैसे तो, हल्की फुल्की बोल रहे हैं लोग बाग थोड़ा बहुत, जो शायद अंदर जहाँ पर प्रेयर करते होंगे उस जगह पर कोई नहीं बोलता होगा। तो अभी तो ये सिर्फ विजिटर्स के घूमने का एरिया है, तो यहाँ थोड़ी बहुत बातचीत कर रहे हैं लोग बाग। बच्चे आराम से खेल रहे हैं हमें। इसने इसको गिरा दिया। अरे बच्ची एक्टिंग कर रही है। कुछ लोग इस साइड भी जा रहे हैं, तो बाहर की तरफ देखते हैं। इसके बीच में ये खुला हुआ है पूरा एरिया। अरे वाह। और आप भाई ठीक से अगर ध्यान से देखो, यहाँ बादल, ये बादल ऐसे लग रहे हैं जैसे यहाँ फिक्स कर दिए हों, लेकिन ये ओरिजिनल बादल हैं। मुझे ये देखने में लग रहा है जैसे ऊपर की पेंटिंग बनाई हुई है बादलों की, लेकिन ये सब ओरिजिनल है। कुछ जेंट्स भी पहन के घूम रहे हैं ये पूरे बुरके यहाँ पर। वेट वन पिक्चर विद यू। थैंक यू। तो वो लोग ग्रुप में अपना पिक्चर ले रहे थे, मैं उनके पिक्चर में घुस गया। यही काम तो करने में मज़ा आता है और क्या। ओ भाई ये तो मैं कहीं से और ही दुनिया में पहुंच गया हूँ। अल्टीमेट भाई कितना सुंदर लग रहा है यार ये। पूछता हूँ यहाँ ड्रोन के शॉट अलाउ हैं क्या। अगर ड्रोन के शॉट हैं यहाँ पर तो मैं ड्रोन से भी कुछ शॉट लेता हूँ यहाँ पर, और इसकी डिटेल मैं आपको फिर बताता हूँ। और भाई ये काफ़ी बड़ी है, काफ़ी बड़ा एरिया है ये। लगभग 32,000 लोग एक साथ यहाँ पर प्रेयर कर सकते हैं। और अभी यहाँ पर ये प्रेयर करके लोग निकले हैं। तो बेसिकली कजाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, तो भाई यहाँ मोस्टली मुस्लिम ही रहते हैं। इस तरह की यहाँ 5-6 मस्जिद हैं इस, और इसकी एंट्री फीस वगैरह कुछ नहीं, फ्री है। जैसे कि बाली जब मैं गया था तो बाली में हर मंदिर के अंदर जाने की फीस थी भाई, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। इस तरफ भी ये कुछ है, देखते हैं। ये पूजा का बिग प्रेयर हॉल, ये यहाँ का सबसे बड़ा प्रेयर हॉल है। दीज आर नॉट अलाउड, ये जो हैं शॉर्ट्स पैंट टी शर्ट वगैरह ये अलाउड नहीं है। आप फुल स्लीव के कपड़े ही पहन के आ सकते हो, इस तरह के ये सब अलाउड नहीं है। और इसमें कहीं फ़ोटोग्राफी नहीं लिखी हुई है, यानी कि फ़ोटोग्राफी मैं कर सकता हूँ। और यहाँ पानी भी रखा, पानी की भी सुविधा करें इन्होंने कर रखी। चलो थोड़ा पानी पी लेते हैं। गिलास भी रखे हुए हैं इन्होंने यहाँ पर, और पानी जैसे कि ठंडा और गर्म दोनों तरह का आएगा इसमें। जैसे मैं ट्रेन के अंदर था, थोड़ा सा मिक्स करके पीता हूँ, क्योंकि ठंडा ज़्यादा ठंडा हो जाता है, गर्म ज़्यादा गर्म हो जाता है। ये मशीन बहुत ज़्यादा ठंडा करती है। डस्टबिन इधर रखा हुआ है, चलिए इसके अंदर चलते हैं। तो इसके अंदर शायद बोलना मना होगा। वाह देखो कांच का गेट भाई साहब, क्या लग रहा है गेट ये। ओहो भाई कितना बड़ा है। ओए होए कितना ऊंचा गेट है। और ये कालीन जो है हैंडमेड कालीन है, मैंने गूगल पे पढ़ा है। भाई यहाँ पर आना तो हो गया मेरा पैसे वसूल, क्योंकि मैं लाइफ में पहली बार कुछ ऐसा देख रहा हूँ। ये पूरा देखो सिटिंग सिस्टम है यहाँ पर, ये सब प्रेयर हॉल है इनका। यहाँ सब लोग बैठ के नमाज पढ़ते हैं ये लोग। और ये सीलिंग कितनी प्यारी बना रखी इन्होंने, और वहाँ से सीलिंग ऊँची है। और अंदर घुसते ही ना एक अलग सी स्मेल आई है मुझे, बहुत ही भीनी भीनी सी सुगंध आ रही है। बच्चे आराम से बैठे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, जैसे हमारे गुरुद्वारे में होता है ना सिस्टम।
गुरुद्वारे का सिस्टम लग रहा है मुझे कुछ कुछ, जितने भी हमारे मंदिर हैं ठीक इसी तरह से हम लोग भी वहाँ बैठ कर थोड़ा सा मन को शांत करते हैं, उसी तरह का है यहाँ पर भी। और ये कोई ये बंदे हाथ में लेके घूम रहे हैं जिनके ऊपर इनकी कुरान रखी जाती है, और सेम ऐसा ही होता है जिसके ऊपर हमारी रामायण रखी जाती है, तो इनका ये स्टैंड होता है बुक्स का। चलिए थोड़ी सी देर मैं भी यहाँ बैठता हूँ। मैं कहीं भी हूँ तो मैं वहाँ बैठकर अपने भगवान को भी याद कर सकता हूँ, अपनी माता रानी को भी याद कर सकता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि मैं इस वक्त किसी मस्जिद के अंदर बैठा हूँ तो मैं यहाँ पर सिर्फ अल्लाह को याद करूँगा। वैसे अल्लाह का भी नाम ले सकते हैं हम, सारे धर्म यार एक से ही होते हैं, एक ही जैसे हैं, और सबसे बड़ा धर्म होता है इंसानियत। आपके अंदर अगर इंसानियत है तो यानी कि आप धार्मिक हो, अगर आपके अंदर इंसानियत नहीं है तो आप धार्मिक नहीं हो। तो सभी धर्म एक से ही होते हैं भाई, इसलिए कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए कभी किसी चीज़ में। तो ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हो ये कुछ इस तरह का है, और मैं यहाँ पर घुटने मोड़ के नहीं बैठा भाई, मैं आलती पालती मार के ही बैठा हूँ। ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है कि हम किसी पर्टिकुलर तरीके से ही यहाँ बैठ सकते हैं, बाकी कोई मुझे मना करेगा तो मैं उठ के चला जाऊँगा, और क्या। भगवान का घर है, सबके लिए होता है यहाँ पर। और अभी तक मेरे को किसी ने कुछ नहीं बोला है कि मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ या मैं कैसे बैठा हूँ कैसे नहीं बैठा हूँ। आई होप सो कि आपको मेरी आवाज़ ठीक आ रही होगी। मैंने अपने माइक को हाथ में पकड़ा हुआ है क्योंकि मैं थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ। चलते हैं थोड़ा सा और देखते हैं बाहर से कैसा लगता है, कुछ और वीडियोज़ बनाते हैं। और हमेशा की जैसे मैं यहाँ पर अकेला हूँ। हेलो हेलो हाय सलाम। तो यहाँ पर इन्होंने बनाया हुआ है टॉयलेट, यानी कि डाउन स्टेट टॉयलेट बनाया हुआ है। चलो एक बार वॉशरूम का भी शॉट ले ही लेते हैं किस तरह का है। और यहाँ पर भी सब ये जूते चप्पल रखने का सिस्टम है, ये चप्पल पहन के आप वॉशरूम के अंदर जा सकते हो यहाँ पर। तो ये हमारे लोगों के लिए ही पहनने के लिए रखी हुई है यहाँ पे इन्होंने, और बहुत बड़ा एरिया है भाई। देखो इन्होंने ये लॉकर रूम भी बना रखे हैं यहाँ पे, किसी को अपना सामान वगैरह रखना है तो मैं अपना बैग रख देता हूँ, लेकिन यहाँ चाबी कैसे मिलेगी मुझे। सामान तो मैं रख दूँगा लेकिन इनकी चाबी वगैरह तो मुझे मिलेगी नहीं, तो मैं सामान नहीं रख रहा हूँ। वॉशरूम नब दे वॉशरूम नियत तो शायद यहाँ सफाई वगैरह चल रही है तो ये मना कर रहे हैं। चलो चलते हैं फिर वापस, अगर ये मना कर रहे हैं तो। ये भाई को भी जाना था तो इसे भी मना कर दिया लेडी ने या आंटी जी ने। चलो मुझे थोड़ा सा आइडिया लेना था तो मैंने ले लिया कि हाँ साफ़ सुथरा है भाई। देखो बाहर चप्पल रखी हुई है इन्होंने कि आप चप्पल पहन के आराम से जाओ, रूम बना रखा है कि लॉकर में सामान रख दो कुछ अपना आए तो ये अभी मना कर दिया। शायद ये लेडीज़ वाले में घुस गया मैं या तो आई थिंक ओके हाँ तो ये लेडीज़ वाला था शायद। और कहीं भी अंदर घूमते फिरो यहाँ मना करने वाला नहीं है कोई भी भाई। लिफ्ट भी बनी हुई है यहाँ पर। आज मंडे का दिन है, सोमवार है तो इस वजह से यहाँ भीड़ नहीं है। कल संडे था, कल काफ़ी भीड़ रही होगी यहाँ पर, तो कल मैं नहीं आया था इसी वजह से कि छुट्टी का दिन है ज़्यादा भीड़ मिलेगी। अब मैं घूम के पूरा वापस आ गया हूँ। यहाँ से मैंने अपने शूज़ रखे थे यहाँ पर, ये रखे मेरे शूज़। और अभी इनकी अजान का टाइम हो गया है, ये अजान होने लगी है इनकी 12 बजे वाली। तो बाहर निकलते ही लाउड स्पीकर पे बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ आ रही है। तो ये जो आप मस्क देख रहे हो ना, इट इज़ द लार्जेस्ट मस्क इन सेंट्रल एशिया, और ये करीब 2019 में भाई बननी स्टार्ट हुई थी, जो कि बहुत ही जल्दी ये बन गई। 2022 में ये कंप्लीट हो गई थी। कैपेसिटी इसकी लगभग है 235,000, मतलब कि 235,000 इसके अंदर विजिटर्स आके एक साथ नमाज पढ़ सकते हैं। 130 मीटर की इसकी हाइट है और इसमें टोटल 4 मीनार हैं, ठीक जैसे ये आप देख रहे हो, ठीक वैसे ही जैसे हमारे ताजमहल में। और ये जो आप गुंबद ऊपर देख रहे हो ना, दुनिया में अपनी तरह का सबसे बड़ा गुंबद है भाई, और इस गुंबद की ऊंचाई लगभग 83 मीटर है। और इसमें लिफ्ट भी लगा रखी है, बाई साइड से कह रहे हैं कि इसके अंदर लिफ्ट भी है,
ऊपर जाकर इस सिटी का पूरा नज़ारा देख सकते हैं। मैं अंदर गया तो था लेकिन वो लिफ्ट बंद है, मतलब इस टाइम पे बंद कर रखी है पता नहीं क्यों। और ये जो आप मस्जिद का गेट देख रहे हो तो इसकी ऊंचाई जो है लगभग 12 मीटर है और इसका वजन जो है 1.5 टन का है। ये दुनिया की सबसे अच्छी क्वालिटी की लकड़ी का बना हुआ है भाई ये। और ये इस गेट को जो है दुनिया का सबसे ऊंचा गेट भी कहते हैं। जिस लकड़ी से बना है, इस लकड़ी का नाम है इराको। ये दुनिया की सबसे कठोर लकड़ी होती है भाई, जो कि सिर्फ अफ्रीका के जंगलों में पाई जाती है। और बाहर की जो दीवारें हैं ये, इनकी बैकग्राउंड देखो नीले रंग की बना रखी है और ऊपर ये जो अक्षर लिखे हुए हैं सफ़ेद रंग से, ये सब अरबी में लिखी हुई इनकी अरबी लिपि है। मस्जिद के अंदर के जितने भी गेट हैं सब 12 मीटर ऊँचे हैं। ये जो आप अंदर की खिड़कियाँ देख रहे हो, ये सब रंगीन कांच के जो डिज़ाइन है ये सब हैंडमेड है। जो दीवार दिखाई दे रही है आपको, इस दीवार पर 99 बार अल्लाह लिखा हुआ है। इसके अंदर ना पूरे में कालीन बिछा हुआ है। कालीन का पूरा क्षेत्रफल लगभग 15,500 वर्ग मीटर है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा हैंडमेड कालीन कहलाता है। तो ये जो मेरे पीछे आप मस्जिद देख रहे हो, ये कजाकिस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद है। इसका नाम है ग्रैंड मॉस्क अस्ताना, जो कि अपने आप ही बहुत ही यूनिक डिज़ाइन है। चार मीनार हैं इसके चारों तरफ। मस्जिद अपने आप में बहुत खूबसूरत है। चलिए भाई, तो फिलहाल यहाँ से निकलते हैं। काफ़ी देर से मैं यहाँ पर घूम रहा हूँ, लगभग मुझे 2-2.5 घंटे हो गए हैं वीडियो बनाते बनाते। हाँ आई नो, आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि वीडियो तो तेरी सिर्फ 15-20 मिनट की है, 2-2.5 घंटे क्या कर रहा था। तो वो आपको जब पता चलेगा, जब आप लोग खुद ब्लॉगिंग करना स्टार्ट करोगे तब आपकी समझ में आएगा। 10 मिनट के कंटेंट के लिए हमें 2 से 3, 4, 5 घंटे तक भी कभी कभी वेस्ट करने पड़ते हैं। एनीवे, इस वीडियो करते हैं पे ख़त्म। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना भाई, और अगर चैनल पे पुराने हो तो एक कमेंट और एक लाइक। बाकी मैं चलते चलते एक बात आपको बोलना चाहूँगा, खुद पे विश्वास रखो और दिल को हमेशा साफ रखो, कामयाबी आपके पास झक मार के भी आएगी। तो ध्यान रखिए अपना, अपने परिवार का। टेक केयर, बाय। भाई ये मुझे शहर कम लग रहा है, एक माया नगरी ज़्यादा लग रहा है कि मैं कैसे स्टार्ट करूँ अपनी ब्लॉगिंग, अपना चैनल। और मैंने बहुत लोगों को मैसेज किए, ईमेल किए और कमेंट भी किए, लेकिन मुझे किसी का रिप्लाई नहीं आया। तो कहने मतलब मैं अकेला ही यहाँ पर पागल नहीं बनाऊँ, और भी लोग बन रहे मेरे साथ पागल। तो भाई वो बंदा केवल इंडिया ही जाता है हर साल, 12 बार जा चुका है और हर बार जा इंडिया की सिटीज़ देखता है सारी। और वो कोई ब्लॉगर नहीं है, उसे सिर्फ इंडिया जाना अच्छा लगता है।